गाइस बिल्कुल अभी अभी जस्ट मुझे 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, अभी मैं पेपर से वापस आया हूँ, तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस बात पर यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेरे पास जो पावर्स हैं वो काफ़ी सारी पावर्स अभी रहती है, तकरीबन 7 से 8 पावर्स अभी इस आई डी के अंदर रहती है। इस आई डी का लेवल 10 है और 10 मिलियन कॉइन्स भी हैं और ऑलमोस्ट सभी स्ट्राइकर्स अपग्रेड भी मांग रहे हैं, तो मैं सभी स्ट्राइकर्स को इस वीडियो के अंदर जो है ना वो अपग्रेड करने वाला हूँ। हमारे पास 17 पावर्स अनलॉक हैं और हम लोग देखेंगे कि मतलब 4-5 पावर्स जितनी हम अनलॉक कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने 5 पावर्स अनलॉक कर ली हैं तो देखेंगे कि इन 5 पावर्स को अनलॉक करने के लिए हमारे पास कितने कॉइन्स यूज़ हो जाते हैं। गाइस जब पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये आईडी दिखाई थी लेवल 10 के ऊपर, मैंने जो है 1 करोड़ कॉइन्स यानी कि 10 मिलियन कॉइन्स बनाए हुए थे इस आईडी के अंदर और ऑलमोस्ट सभी स्ट्राइकर्स अपग्रेड भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई पिगी बैंक जिंदाबाद, पिगी बैंक का कमाल। तो मेरे भाई आप शायद हमारे चैनल पर एक्टिव नहीं है, नहीं तो आप ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि ये आईडी जो है ना लेवल 10 पर मैंने आप लोगों को दिखाई थी, इसीलिए आप लोगों को लग रहा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को याद दिलवा दूँ कि भाई पिगी बैंक जो है कम से कम 7 लेवल के ऊपर आता है, और जिन लोगों को याद है, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है इस आईडी के ऊपर मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर स्टार्ट से पहली वीडियो से देखना। पहली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था लेवल 4 के ऊपर इस आईडी के अंदर मेरे पास 5 से 6 मिलियन कॉइन्स थे और ये सभी स्ट्राइकर्स उस वक्त भी अपग्रेडेड थे यानी कि अपग्रेड मांग रहे थे। तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैंने पिगी बैंक को यूज़ किया, क्योंकि पिगी बैंक लेवल 7 के ऊपर आता है और ये आईडी जो है ना, और ये बात भी है कि ये आईडी मैंने पिगी बैंक वाले ऑफर के बाद बनाई है गाइस, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से यह भी पूछा था कि भाई क्या मैं इस आईडी का गिव अवे करूँ, तो मुझे कोई ठीक तरीके से जवाब नहीं मिला, आप लोगों के ठीक तरीके से कमेंट्स नहीं आए थे, तो मैंने कहा था मैं टेलीग्राम पर पोस्ट डालूंगा, वो भी शायद मैं भूल गया, मैंने डाला नहीं। तो गाइज़ यहाँ पर इस आईडी के अंदर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जितने भी इस आईडी के अंदर स्ट्राइकर्स अपग्रेड मांग रहे थे मैंने सबको जो है अपग्रेड कर दिया है और हमारे पास जो है यहाँ पर फाइनली 4 न्यू पावर्स अनलॉक हो गई हैं। ये न्यू वाली मतलब बिल्कुल स्टार्ट वाली पावर्स नहीं है भाई, मतलब 18 नंबर पावर है, 19, 20 और 21 और 22 वाली पावर्स जो हैं हमारे पास अनलॉक हो चुकी हैं और मैंने सभी स्ट्राइकर्स को अपग्रेड कर दिया, जितने भी स्ट्राइकर्स इस आईडी के अंदर अपग्रेड मांग रहे थे। तो यहाँ पर गाइज इन 4 पावर्स को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर सभी स्ट्राइकर्स को भी मैंने अपग्रेड कर दिया है और हमारे 4 मिलियन कॉइन्स भी यूज़ हो गए हैं। तो आप हिसाब लगाएं कि अगर फ्लेयर पावर को मैं यहाँ पर अनलॉक करता तो ये जितने भी कॉइन्स हैं ये सभी यूज़ हो जाते, लेकिन हमारे पास फ्लेयर पावर अनलॉक नहीं होती क्योंकि अभी तो स्ट्राइकर और भी ज़्यादा कॉइन्स से अपग्रेड होने वाले हैं, ये बात आप लोग भी जानते ही हैं। तो यार मेरे हिसाब से जो लेजेंडरी स्ट्राइकर है ना वो फ्री में अपग्रेड होना चाहिए। जो लोग 8 बॉल पुल खेलते हैं उन लोगों को पता है, अभी का तो मुझे नहीं पता, जब मैं काफ़ी टाइम पहले मैं 8 बॉल पुल खेलता था, जब हमारे पास लेजेंडरी क्यू मतलब अनलॉक होती थी और जब वो उसका अपग्रेड हो जाता था, अपग्रेड होती थी वो, तो वो फ्री में अपग्रेड हो जाती थी यानी कि 0 कॉइन्स लगते थे उसको अपग्रेड करने के लिए लेजेंडरी क्यू को। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लेजेंडरी स्ट्राइकर तो भाई नॉर्मल स्ट्राइकर चले 2-3 लाख में अपग्रेड हो जाते हैं मैक्सिमम, लेकिन लेजेंडरी स्ट्राइकर तो 2-3 मिलियन में अपग्रेड मांग रहे होते हैं। तो यार ये मिनी क्लिप को फिक्स करना चाहिए, ये बहुत ही बेकार चीज़ है। बाकी अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी से बताना है। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।